देख रहे हैं खबर दिनभर, मैं हूं शेख जुई। रुक करते हैं दिनभर की तमाम बड़ी खबरों की। राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश के चलते 25 साल से सूखे पड़े बांधों में पानी की आवक होने से लोगों में खुशी का माहौल है। वहीं दूसरी ओर लगातार बारिश से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। ताजा हालात के मुताबिक बारिश का यह दौर अभी 48 घंटे और जारी रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक वेलमार्क लो प्रेशर आज फिर से तेज हो गया और डिप्रेशन बन गया। फिलहाल ये उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर है। अगले 24 घंटे में इसके उत्तर पश्चिमी दिशा में पश्चिमी यूपी की तरफ आगे बढ़ने की संभावना है। भजनलाल सरकार के मंत्रियों के बयान इन दिनों सियासत की सुर्खियों में है। इस बीच जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने जोधपुर में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में अधिकारियों को लेकर मंत्री का दिया गया बयान काफी चर्चा में है। उन्होंने काम नहीं करने वाले अधिकारियों को शाप देने की धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि मैं महादेव का भक्त हूँ, अगर जो अधिकारी गलत काम करेगा तो उससे मेरा शाप लगेगा। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को लापरवाही बरतने पर सस्पेंड करने की चेतावनी भी दी। कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट आज जोधपुर में रेल मार्ग से पहुंचे, जहां रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद वो सर्किट हाउस पहुंचे। सचिन पायलट का जोधपुर दौरा खास रहा, वो इसलिए भी कि जोधपुर अशोक गहलोत का गढ़ कहा जाता है और गहलोत के गढ़ में आज पायलट का जादू देखने को मिला। जब पायलट रेलवे स्टेशन पहुंचे तो वहां पर भी भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने हाल ही में करोड़ीलाल मीना को लेकर बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि राजस्थान में बीजेपी सरकार का 9 महीने का कार्यकाल फेल हो गया। सरकार के मंत्री 2.5 महीने से इस्तीफा लिए घूम रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने को कोई तैयार नहीं। उनके इस बयान पर राजस्थान के मंत्री और सीकर जिला प्रभारी संजय शर्मा ने डोटासरा पर निशाना साधा। संजय शर्मा ने गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वो पहले अपनी बात कर ले। उनके राज्य में क्या सचिन पायलट को सुना गया था? क्या सचिन पायलट जगह जगह भाग दौड़ रहे थे, कभी दिल्ली और कभी जयपुर? राजस्थान के करौली जिले के टोडाभी में एसडीएम सुनीता मीणा एक महिला का गुस्से का शिकार हो गई। दरअसल अतिक्रमण हटाने गई सुनीता मीणा और एक महिला के बीच झड़प हो गई। इस दौरान महिला ने एसडीएम के बाल खींच ली। वही एसडीएम सुनीता मीणा का 2 दिन पहले ट्रांसफर हो गया था। इसके बावजूद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में एसडीएम का जाना स्थानीय लोगों के आरोपों का बड़ा आधार बना। बता दूं कि इससे पहले भी सुनीता मीणा 3 साल पहले कोटपुतली में एसडीएम रहते हुए विवादों में आई थी, जहां उन्होंने एसएचओ के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे और मामला दर्ज करवाया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के बाद सीबीआई मामले में भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि कोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी को वैध ठहराया है और बेल की शर्तें तय की है। कोर्ट ने जमानत के लिए वही शर्तें लगाई है जो ईडी केस में बेल देते वक्त लगाई थी। केजरीवाल को बाहर आकर उन शर्तों का पालन करना होगा। भाजपा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें उन्होंने राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को स्टार प्रचारक बनाया है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कुल 40 नाम शामिल हैं। इनमें राजस्थान कांग्रेस के सिर्फ 3 नेताओं को जगह मिली है। पहला नाम पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का है। उनके अलावा डिप्टी सीएम सचिन पायलट और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का नाम भी लिस्ट में शामिल है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल दुष्कर्म हत्या मामले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली, मैं पश्चिम बंगाल के मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। मुझे पद की चिंता नहीं है, मुझे न्याय चाहिए, मुझे केवल न्याय मिलने की चिंता है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक अवैध मस्जिद को सील करने का फैसला लिया गया। इलाके के डिप्टी कमिश्नर ने सील करने का आदेश सुनाया। दरअसल इस मस्जिद को लेकर काफी विवाद था, कई हिंदू संगठन सड़क पर उतर कर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आज खबर दिनभर में इतना ही। दिनभर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू हूं।